हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर क्या है, इसका रेंज क्या होता है, इसमें जीरो एरर क्या है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है और लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, इससे रीडिंग कैसे लिया जाता है और इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, और सबसे मेन सवाल आइडियल वोल्टमीटर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है वोल्टमीटर क्या है, व्हाट इज द वोल्टमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग रेंज का वोल्टमीटर है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बोलचाल की भाषा में वोल्टेज को मेजर करना। ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। हाई रेजिस्टेंस कहने का अर्थ है अगर इनका रेजिस्टेंस लो होता तो यह अपने से होकर करंट को पास करने देता, फिर ये वोल्टेज मेजर नहीं करता, ये करंट मेजर करने लगता। इसलिए इनको ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे इनका रेजिस्टेंस हाई हो। इसमें अलग अलग रेंज दिया रहता है, ये दोनों अलग अलग रेंज का है। इनके दो टर्मिनल हैं, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। ये आप पॉइंटर देख रहे हैं, इसको नीडल भी कहा जाता है। वोल्टमीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, वोल्टमीटर का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, भी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये है। आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि यहां दिया हुआ है तो आप उसको ऐसा ही समझे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वोल्टमीटर नेगेटिव पॉजिटिव। अब रियल में जो वोल्टमीटर आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइन आपका मैच करेगा। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इस वोल्टमीटर का रेंज क्या है। रेंज क्या होता है, रेंज सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू। यहां आप देख रहे हैं 0 वोल्ट, यहां आप देख रहे हैं 3 वोल्ट। ये एक वोल्टमीटर है जिसका रेंज क्या है, 0 to 3 वोल्ट। कहने का मतलब ये 0 to 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर सकता है। एक दूसरा वोल्टमीटर भी है मेरे पास जिसका कुछ अलग रेंज होगा। ये जो वोल्टमीटर है आप देख रहे हैं, इसका रेंज है 0 to 100 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट कहने का मतलब 10 to the power -3 वोल्ट। 0 to 100 मिली वोल्ट मतलब उससे भी कम वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है। इसके भी दो टर्मिनल है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगला जो सवाल है वो ये है कि जीरो एरर क्या है इसमें। इसमें जीरो एरर कहने का मतलब ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं अगर वो जीरो पर हो तो कोई भी जीरो एरर नहीं है। जनरली जीरो एरर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ये निडल, ये पॉइंटर जीरो से लेफ्ट में चला जाए, जैसे ये अभी, तब हम कहेंगे ये जो वोल्टमीटर है वो नेगेटिव जीरो एरर में है। ये जो वोल्टमीटर है वो नेगेटिव जीरो एरर में है। और किसी तरह ये जो पॉइंटर है वो जीरो के राइट साइड में चला जाए तो कहेंगे अभी ये पॉजिटिव जीरो एरर में है। तो जीरो एरर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर। जब ये पॉइंटर जीरो से लेफ्ट में हो तो नेगेटिव जीरो एरर और जीरो से राइट में हो तो पॉजिटिव जीरो एरर। अब सवाल उठता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो यहां एक नॉब आपको दिया गया है, इस नॉब को अगर आप घुमाएंगे तो ये आपका जीरो पर आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से घुमाया जाता है इसको, ये जीरो पर आ गया। अब इस पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगला जो सवाल है वो है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। सबसे पहले हम समझते हैं लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट किसी भी डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाने वाला सबसे मिनिमम वैल्यू है। इस केस में क्या बोला जाएगा, लिस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया गया सबसे मिनिमम वैल्यू। सबसे मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकता है ये, सबसे मिनिमम वैल्यू ये 1 डिवीजन मेजर कर सकता है। अब 1 डिवीजन क्या है, दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है
दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, कोई भी दो लाइन के बीच का, कोई भी दो लगातार लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिवीजन कहलाता है। अब इसमें डिवीजन देखा कैसे जाता है, जैसे ये 1 division, 2 division, 3 division, 4 division, 5 division, 6 division, 7, 8, 9, 10 10 डिवीजन इसमें दिख रहा है आपको। सो 1 डिवीजन के बराबर होगा लिस्ट काउंट का वैल्यू, 1 डिवीजन के बराबर होगा लिस्ट काउंट का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो 1 डिवीजन का वैल्यू निकालना होगा। इस केस में आपका 10 डिवीजन में है 0.5 वोल्ट, 10 डिवीजन में है, 10 डिवीजन है 0.5 वोल्ट। सो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन हो जाएगा 0.5/10 मीन्स 0.05 वोल्ट। सो ये एक वोल्ट मीटर है जिसका लिस्ट काउंट जो ये मेजर कर सकता है, सबसे मिनिमम वैल्यू जिसको लिस्ट काउंट कहेंगे वो है 0.05 वोल्ट। लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.05 वोल्ट। अलग अलग वोल्ट मीटर के अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकते हैं। ये एक दूसरा वोल्ट मीटर है जिसका रेंज 0 to 100 मिली वोल्ट है। हम सब इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। इसका लिस्ट काउंट भी निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, लिस्ट काउंट होता है 1 डिवीजन का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। तो मिनिमम कितना, 1 डिवीजन। डिवीजन देखना आपको पहले बताया जा चुका है, मेरे आम मीटर वाले वीडियो में भी आपको सारी जानकारी दी गई है। इसमें भी आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं डिवीजन कैसे देखा जाता है। ये दो लाइन के बीच का वैल्यू, ये पहला डिवीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, 10 डिवीजन। सो 10 डिवीजन दिया है आपको, 10 डिवीजन इक्वल है 20 मिली वोल्ट। सो 1 डिवीजन क्या हो जाएगा, 20/10 मिली वोल्ट। सो ये हो जाएगा 2 मिली वोल्ट। सो 1 डिवीजन ही लिस्ट काउंट होता है, 1 डिवीजन का ही वैल्यू लिस्ट काउंट होता है, 2 मिली वोल्ट। सो ये एक वोल्ट मीटर है जिसका रेंज 0 to 100 मिली वोल्ट है और लिस्ट काउंट हमने निकाला 2 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट कहने का मतलब वन मिली वोल्ट, 1 × मिली कहने का मतलब 10^-3 वोल्ट। और माइक्रो आपको पता होगा, माइक्रो वोल्ट, माइक्रो मीन्स होता है 10^-6, जो भी यहां क्वांटिटी होगा यहां लग जाएगा, ये प्रीफिक्स है। इसी तरह आप कोई भी वोल्ट मीटर या कोई भी डिवाइस का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। हमारे पहले भी वीडियो में एम मीटर के बारे में बताया गया है, उसमें भी ये सारी बातें बताई गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू टेक रीडिंग विथ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से रीडिंग कैसे ले। तो रीडिंग लेना बहुत ही आसान है। रीडिंग क्या होता है, रीडिंग होता है डिफ्लेक्शन। जो भी डिफ्लेक्शन आपको मिले उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहां हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक रीडिंग आपको, मान लीजिए किसी सर्किट में जोड़ने के बाद ऐसा रीडिंग आपको मिला हो तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, तो कितने डिवीजन पर है उसको देखना है। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डिवीजन पर है, मतलब डिफ्लेक्शन इसका फाइव है और लिस्ट काउंट कितना था, 0.05, यही आपका रीडिंग हो गया वोल्ट। इसी तरह आप दूसरे वोल्ट मीटर से भी ले सकते हैं। इस वोल्ट मीटर से अगर रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो इसका रेंज 0 to 100 मिली वोल्ट है, इसका लिस्ट काउंट 2 मिली वोल्ट पहले हम सब निकाल चुके हैं। तो इसमें कैसे देखेंगे, मान लीजिए किसी सर्किट में जोड़ने के बाद ऐसा डिफ्लेक्शन आपको मिलता है, ये कितने डिफ्लेक्शन पर है, तो डिवीजन देखेंगे, कितना डिवीजन पर है ये,
पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, तीन डिवीजन है, थ्री डिवीजन। तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया थ्री, और इसका लिस्ट काउंट कितना था? टू मिली वोल्ट। सो आपका रीडिंग हो गया 6 मिली वोल्ट। इसी तरह आप किसी भी वोल्ट मीटर से रीडिंग ले सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है हाउ टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन सर्किट, सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ें। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल इसीलिए क्योंकि अगर इसे सीरीज में जोड़ दिया जाता तो ये करंट को ब्लॉक कर देता। किसी भी सर्किट में जब आप इसको सीरीज में जोड़ देंगे, मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट है, अगर यहां वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाए तो जो करंट पास करेगा उसको ये ब्लॉक कर देगा, उसको ये ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, करंट को पास नहीं होने देगा। तो इससे बचने के लिए एक तरीका और है, इसको पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, ये हाई रेजिस्टेंस है, ये कभी भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करता है। कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। सो करंट जो यहां होगा वो सीधे इस रेजिस्टेंस के थ्रू होकर गुजरेगा, इधर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इधर करंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो है व्हाट इज आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर क्या है। तो आइडियल वोल्टमीटर वो होगा जो किसी भी सर्किट में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जैक्टली मेजर करे और एक भी करंट को एब्जॉर्ब ना करे। इसके लिए उसके रेजिस्टेंस को कितना होना होगा, इसके लिए उसके रेजिस्टेंस को हाई होना होगा, और कितना हाई होना होगा? इनफाइनाइट। सो आइडियल वोल्टमीटर उसे कहेंगे जिस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए।